내가 그걸 만난. वेलकम डियर रॉकर्ट, स्वागत है आपका करंट सीरीज के सेकंड एंड फाइनल पार्ट में। इस पार्ट की शुरुआत में इंस्पेक्टर जेंग और उसकी टीम डोंगसो को इंटरोगेट करते हैं, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता। फिर गुस्से में एक ऑफिसर उसको मारने जाता है, लेकिन जेंग उसे शांत करके बाहर भेज देता है। जेंग कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम खूनी नहीं हो, लेकिन फिलहाल सभी तुम्हें खूनी समझते हैं। अगर तुम इस केस से जिंदा बचना चाहते हो तो सब कुछ सच सच बता दो। फिर वो डोंगसो को प्राइवेट में बात करने के लिए टेरेस पर लेके जाता है, और तब डोंगसो अपने बारे में शुरू से लेकर अभी तक सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है, मैं एक कनेक्ट हूँ जिसके पास अपने हर घाव को भरने की क्षमता है। वो जेंग को एक डेमो भी देता है, जिसमें वो अपनी कलाई काट कर तुरंत उसको जोड़ लेता है। अब जेंग को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि ये सच में हो रहा है। फिलहाल तो वो डोंगसो को लॉकअप में ही रखना चाहता है, पर डोंगसो उन तीन स्कूल गर्ल्स को बचाने के लिए खूनी की तलाश करना चाहता है, इसीलिए वो खुद को हथकड़ियों से छुड़ाकर बिल्डिंग से कूद जाता है। यहाँ जिनसो अब अपनी आंख के रहस्य को जानने के लिए उस सर्जन के पास जाता है जिसने उसका आई ट्रांसप्लांट किया था। वो उस आदमी को मारकर एक चेयर से बांध देता है और अपनी आंख के बारे में उससे पूछता है। अब सर्जन एक्सप्लेन करता है और तब एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। कुछ महीने पहले जिनसो अब घायल हालत में सर्जन के पास ट्रीटमेंट के लिए आया था। उसने इस बात को सीक्रेट रखने के लिए डॉक्टर को एक मोटी रकम देने का वादा भी किया था। डॉक्टर ने फिर बात मारकर तुरंत उसकी डील मंजूर कर ली और उसे एनेस्थेसिया दे दिया। फिर सर्जरी करके उसने जिनसो को बचा भी लिया था, लेकिन स्टिचेस लगाने से पहले उसने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उसने डोंगसो की लेफ्ट आईबॉल जिनसो की आंख की जगह पर रख दी, क्योंकि वो चेक करना चाहता था कि डोंगसो की आंख में घाव को भरने की क्षमता है या नहीं। और फिर उसके ये बातें सुनकर जिनसो को बहुत गुस्सा आता है और वो स्पॉट पर ही उस सर्जन को मार डालता है। अगले सीन में दिखाते हैं तो ऑर्गन ट्रैफिकर्स सर्जन के यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन उसे वहां न पाकर वे सीसीटीवी चेक करते हैं और तब पता चलता है कि जिनसो वहां पर आया था। उनका बॉस वुजिन नाम के आदमी को डोंगसो पर नजर रखने को कहता है। अब कई दिन गुजर जाते हैं और डोंगसो अभी भी गुमनाम होकर ही जी रहा है, ताकि पुलिस उसको पकड़ ले। अब क्योंकि वो जिनसो के पीछे नहीं जा सकता, इसीलिए लीजा जिनसो का पीछा करती है। एक दिन वो वुजिन को देख लेती है और उससे कुछ सवाल करने जाती है, लेकिन वो उसको चाकू दिखाता है। फिर लीजा अपने शानदार मूव से वुजिन को गिरा देती है और आखिरकार उसको मार डालती है, और वो उसको इस तरीके से मारती है कि कोई भी एविडेंस छूटता नहीं है। यहाँ डोंगसो का फेवरेट म्यूजिशियन एक्स उसके सॉन्ग का कवर परफॉर्म कर रहा होता है। अब इस बात से डोंगसो बहुत ही खुश होता है। इतना ही नहीं, डोंगसो के ओरिजिनल सॉन्ग वीडियो पर एक्स ने कमेंट भी किया होता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी दिन परफॉर्म जरूर करूंगा। ये सुनकर तो डोंगसो बड़े बड़े सपने देखने लगता है, पर तभी उसकी आंख दुखती है और जिनसो उसको कॉन्टेक्ट करता है। वो अपना नंबर देकर कहता है, मुझे फोन करो। अब डोंगसो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत उसे कॉल करता है और दोनों जानी दुश्मन पहली बार एक दूसरे से बात करते हैं। डोंगसो पूछता है, तुम इतने सारे कत्ल क्यों कर रहे हो? अब जिनसो कहता है कि मैं कैंसर की लास्ट स्टेज में हूँ और जल्दी मरने वाला हूँ, लेकिन मैं मरने से पहले कोई ना कोई धमाका करके जाना चाहता हूँ। फिर कॉल कट करने से पहले जिनसो कहता है, मेरा गेम तो अभी शुरू हुआ है और मैं तुम्हें जल्दी कॉन्टेक्ट करूंगा। इसी बीच जेंग की टीम को नदी में वुजिन की लाश मिलती है। उसके साथ जिनसो का एक कैमरा फुटेज भी होता है। अब उन्हें जिनसो पर शक होने लग जाता है। अब लीजा को दिखाते हैं तो वो एक पुराने सिनेमा हॉल में डोंगसो से मिलती है। वो अपनी छाती पर छोटा कट करती है और वो तुरंत ठीक हो जाता है। अब ये देखकर डोंगसो एकदम चौंक जाता है, लेकिन फिर उसे खुशी होती है कि उसकी तरह यहाँ और भी करेक्ट्स हैं। फिर दोनों गले मिलकर किस करने लगते हैं। वहाँ जिनसो डोंगसो के भेस में उसके प्राइवेट म्यूजिशियन एक्स को किडनैप कर लेता है। वो एक्स को खूब टॉर्चर करता है और फिर डोंगसो को वहाँ का सीन दिखाता है। वो डोंगसो से कहता है कि तुम इस लोकेशन पर ठीक 11 बजे पहुंच जाओ, वरना मैं एक्स को मार डालूंगा। इसी बीच ऑर्गन ट्रैफिकर्स डोंगसो को ट्रैक करके उस बिल्डिंग को घेर लेते हैं, पर लीजा एक सीक्रेट रास्ता जानती है और वो डोंगसो को उस रास्ते से भेज देती है। फिर वो इस गैंग को डिस्ट्रैक्ट करती है। डोंगसो के जाने के बाद ऑर्गन ट्रैफिकर्स लीजा पर अटैक करते हैं, लेकिन वो खूब फाइट करती है, लेकिन आखिरकार लीजा अकेली उनका मुकाबला नहीं कर पाती और वे लीजा को बांध ही देते हैं। उनके लाख पूछने पर भी लीजा डोंगसो के बारे में कुछ नहीं बताती। अब एक आदमी गुस्सा होकर उसके चेहरे का एक पार्ट काट देता है। ऑर्गन ट्रैफिकर्स का बॉस अब जान गया है कि लीजा भी एक कनेक्ट है और वो उसको बेचकर खूब सारा पैसा कमा सकता है, पर लीजा उनको चकमा देकर फिर से अटैक करती है और आखिरकार बच निकलती है। यहाँ जैन की टीम वुजिन के पास मिली फोटोज से जिनसो के एड्रेस पता लगा लेते हैं। अब इस सर्वेलेंस फुटेज में ये भी देख लेते हैं कि जिनसो ने डोंगसो के भेस में एक्स को किडनैप किया है। अब जेंग के साथ ही जिनसो को पकड़ने के लिए स्वाट टीम को भेजना चाहते हैं, पर जेंग उसे खुद पकड़ना चाहता है। अब यहाँ डोंगसो ठीक 11 बजे जिनसो की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि जिनसो कैंसर से मर रहा है और इसी वजह से डोंगसो से लड़ नहीं पाएगा। कुछ ही देर में जिनसो वहाँ पर कोट पहनकर आता है। फिर वो एक जहरीली गैस रिलीज करता है और डोंगसो सांस भी नहीं ले पाता। अब डोंगसो बहुत खांसने लगता है और कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही उसको होश आता है, वो खुद को एक कार में पाता है और जिनसो कार चला रहा होता है। अब जिनसो खून करने का असली रीजन बताता है, मैं बहुत ही जल्द मरने वाला हूँ, पर मरने से पहले मैं सबको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हर पल मौत से डरकर और लाचार होकर जीना
कितना मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, जब लोग दर्द से चीखते हैं तो मुझको बड़ी अजीब खुशी महसूस होती है। अब डोंगसो आधी बेहोशी में ये सब कुछ सुन रहा होता है और उसको बहुत गुस्सा आता है। वो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन जहरीली गैस की वजह से बहुत कमजोर हो गया है वो। यहाँ लीजा को दिखाते हैं तो वो सर्कस की ओर जा रही है और एक ऑर्गन ट्रैफिकर उसका पीछा करता है, लेकिन लीजा छुपकर उसे पीछे से अटैक करके खत्म कर देती है। वो सर्कस के एक एरिया में पहुंचती है जहां 8 फुट लंबा जायंट सो रहा होता है। लगता है ये जायंट भी एक कनेक्ट है, पर उसका रूप बड़ा अजीब सा होता है और वो कोई नॉर्मल भाषा भी नहीं बोलता। लीजा उससे कहती है कि हमारे काम का वक्त आ गया है और फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। जब डोंगसो को पूरा होश आता है तो उसके पास एक पोल पर उसी सर्जन की लाश लटक रही होती है। तभी जिनसो आकर कहता है कि मैं सर्जन को भी स्टैचू बनाने वाला हूँ। फिर वो एक कमरे में जाकर एक्स को बाहर लेके आता है जो लगभग मर चुका है। अपने फेवरेट म्यूजिशियन की ये हालत देखकर डोंगसो बहुत ही दुखी होता है और उससे माफी मांगता है कि मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई है। पर एक्स के तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है। डोंगसो उसको समझाता है कि मुझे यहाँ लाने के लिए ही आपको किडनैप किया गया है। इतना ही नहीं, जिनसो भी वो सीरियल किलर है जिसने शहर में डर फैला रखा है। तब जाकर जिनसो अपना असली मकसद बताता है। दरअसल उसका कैंसर इलाज की हद पार कर चुका है, इसलिए वो डोंगसो का शरीर लेना चाहता है ताकि वो हमेशा जिंदा रह सके। वो अपना सर डोंगसो के शरीर से जोड़ना चाहता है। अब अपने प्लान को टेस्ट करने के लिए वो डोंगसो और एक्स के हाथ से एक उंगली काट लेता है। फिर वो उन उंगलियों को एक्सचेंज कर देता है। डोंगसो की क्षमता की वजह से दोनों तुरंत ही जुड़ जाते हैं और इस तरह जिनसो का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है। अब वो कूलिंग सिस्टम को ऑन कर देता है और इस प्रोसेस के लिए बिल्कुल तैयार होने लग जाता है। जब डोंगसो अपनी आंख खोलता है तो पूरा कमरा लगभग फ्रीज हो चुका होता है। डोंगसो एक्स को लगातार पुकारता है और आखिर वो जाग जाता है, पर वो बहुत कमजोर होता है और कुछ कर नहीं पाता। मरने से पहले वो डोंगसो से माफी मांगता है कि मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के बीच में आ गया। और इस तरह अपने फेवरेट म्यूजिशियन को इस तरह मरते देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी हथकड़ी तोड़ देता है। फिर वो दरवाजे को तोड़ने के लिए उसको जोर जोर से पीटता है। इतने में लीजा और उसका जॉइंट फ्रेंड भी वहां पर आ जाता है। आवाज को सुनकर जिनसो वहां चेक करने आता है कि क्या दिक्कत है, और वहां वो लीजा से मिलता है जो खुद एक कनेक्ट है। अब उन दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, पर तभी इंस्पेक्टर जेंग अपने एक ऑफिसर के साथ वहां पर आ जाता है, लेकिन जिनसो अब उस ऑफिसर को भी खत्म करके वापस आता है। पर इतने में लीजा डोंगसो को छुड़ा लेती है और कहती है इस दरिंदे जिनसो को हमेशा के लिए खत्म कर दो। अब डोंगसो और जिनसो आमने सामने होते हैं। जिनसो अपनी गन से डोंगसो पर कई बार शूट करता है, पर बुलेट्स उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते क्योंकि उसके घाव तो तुरंत भर रहे होते हैं। फिर डोंगसो जिनसो पर झपट पड़ता है और उसको खूब पीटने लगता है। वो अपनी दूसरी आंख भी जिनसो से ले लेता है, जिसकी वजह से जिनसो दर्द के मारे चीखता है। अब डोंगसो उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जेंग आकर कहता है उसे छोड़ दो और बदले में मैं तुम्हारे जैसे कनेक्ट्स के सारे पुलिस रिकॉर्ड मिटा दूंगा। फिर डोंगसो भी उसकी बात मान जाता है, पर एक और नई मुसीबत आ जाती है। दरअसल इस हलचल के बारे में नेशनल स्वाट टीम को पता चल चुका है और उनके कई सौ सोल्जर्स सिचुएशन को संभालने के लिए भेजे जा चुके हैं। आखिर में दिखाते हैं कि डोंगसो और लीजा बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो उन्हें कई हेलीकॉप्टर्स घेर लेते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये फाइनल पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों बहुत ही जल्द इसका अगला सीजन आएगा, तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।